हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साप्लानर। से दशम बेले आज क्लास रे तुम इंग्लीश रो प्रोज बा जो गद्य विभाग अच्छी से किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू बा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आम डिस्कस करवा। तुमने समस्त जानते हो तुम एसी वन परीक्षा में टोटल 80 मार्क प्रश्न आसो जो थ्रु 50 रही ऑब्जेक्टिव। तो तुम जो गद्य बा जो प्रोज विभाग अच्छी से किसी इंपोर्टेंट प्रश्न आम एठार आलोचना करवा। तो चलो स्टार्ट करवा। देखो ये प्रथम प्रश्न पचराई लेंच वाज ए डेस्। लेंचो जो फार्मर थिला ना पोस्टमास्टर थिला ना पोस्टमैन थिला ना क्रुक थिला, जल्दी कमेंट कर कोड़ा हबो। ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कोड़ा हबो। सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए, दैट इज फार्मर। तो लेंचो जो फार्मर थिला। क्वेश्चन नंबर दुई देख, लेंचोस हाउस सेट ऑन द टॉप ऑफ ए। लेंचोर घर थिला टॉप रे, कहार टॉप रे, माउंटेन टॉप रे ना लो हिल रो टॉप रे ना फील्ड रो टॉप रे ना रूफ रो टॉप रे, कोड़े लेंचर घर थिला, जल्दी कमेंट कर। सठिक उत्तर होची लो हिल रो टॉप रे थिला। क्वेश्चन नंबर तीन, लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वाज डॉटेड विथ। लेंचर जो फील्ड थिला जो कॉर्नर जो फील्ड थिला ता डॉटेड विथ माने कौन हम यार उत्तर, प्लांट्स ना सिबलिंग्स ना फ्लावर्स ना ट्रीज कोड़ा हम। सठिक उत्तर डॉटेड विथ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर चार, द ओनली थिंग लेंचोस कॉर्नफील्ड नीडेड वाज। द ओनली थिंग रहा केवल गोटे जिनस लेंचोर कॉर्नफील्ड, तो लेंचोर जो कॉर्नफील्ड केवल गोटे जिनस दरकार करूला सीटा कौन, ए डाउनपोर ना हेलस्टोन ना हेलस्टोन ना पियल्स कोड़ा हम, जल्दी कमेंट कर। सठिक उत्तर हूँ डाउनपोर। क्वेश्चन नंबर पाँच देख, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो डिड नथिंग बट। थ्रू आउट द मॉर्निंग अर्थ दिन सारा बा सकाल सारा लेंचो डिड नथिंग अर्थ लेंचो किसी करना बट किंतु लुकिंग एट हिज कॉर्नफील्ड निज कॉर्नफील्ड को देखी सी द स्काय टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिग दिगरे आकाश को देखी स्कोल्ड हिज चिल्ड्रेन निज पिला गाली कर लुक भेकेंटली एट हिज कॉर्नफील्ड निज कॉर्नफील्ड को भेकेंटली खाली केवल अन कौटा हम। ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। पे मैंने कहीं मतलब वीडियो को स्किप करना कंटिन्यूली देख, तुम्हें देखो निश्चित रूप आ भितर ही किसी प्रश्न तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट आसो। यार सठिक उत्तर हूँ सी द स्काय टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ओके उत्तर पूर्व आड़े से अनेक मैंने मॉर्निंग सारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख, ना वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। दिस स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय, ना वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। बर्तमान आम किसी पानी पाइबा जाऊे ये स्टेटमेंट किए कही लेंचो चिल्ड्रेन लेंचर पे ना लेंचो कही ना लेंचर स्त्री कही ना लेंचर पड़ोसी कही किए कही यहाँ, जल्दी कमेंट कर। यार ठीक उत्तर हूँ लेंचो कही। ओके गोटे वुमेन अर्थ हो स्त्री को सी कौन। क्वेश्चन नंबर सात, बिग ड्रप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बड़ बड़ टोपा बर्षार टोपा गुड़िक पड़ाक लगेगा केतेबेले ना जितेबाद लेंचो वाज जोकिंग विथ हिज वाइफ। लेंचो जिते स्त्री सहित मजा करुला ना लेंचोस वाइफ वाज कलिंग द चिल्ड्रेन ना लेंचोर स्त्री पाला से डाकुले लेंचोर स्त्री लेंचोर पिला डाकुले से समय ना लेंचो वाज हैविंग हिज मिल। लेंचो निजर मिल खाइला समय लेंचो चिल्ड्रेन वेर प्लेइंग नियर बाय। लेंचोर पिला खेल समय बड़ बड़ वर्षा जलबिंदु गुड़िक के पड़ी तार मैंने केत पड़ी। सठिक उत्तर हूँ लेंचो वाज हैविंग हिज मिल। लेंचो जो समय मिल खाऊला से समय। क्वेश्चन नंबर आठ देख, लेंचो स लेंचो देखा ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। बड़ 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 पर्वत रूपक क्लाउड गुड़िक एप्रोचिंग एप्रोचिंग अर्थ हूँ आसुच्छी इन द नियर स्काए निकट आकाश रे ना इन द नॉर्थ ईस्ट स्काए उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व आकाश रे ओवर द लो हिल पर्वतर तल देश एवं द फील्ड ऑफ राइपकॉर्न राइपकॉर्नर रूपक जो फील्ड अच्छी तार उपर कौटा सठिक उत्तर हम। सठिक उत्तर हूँ इन द नॉर्थ ईस्ट स्काए। क्वेश्चन नंबर नौ, लेंचो वेंट आउट फ्रॉम हिज मिल। लेंचो उठी पड़ा निज मिल्रु कौन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। निज शरीर उपर वर्षा जलबिंदु जितने पड़ तार जो फीलिंग को प्लेजर करने खुशी पाइबापी से निज मिल्रु उठी पड़ा ना टू गेट द रेन सावर ना वर्षार जलबिंदु गाधवाई ना टू प्लंक हेलस्टोन्स हेलस्टोन गुड़ी कूपत्र गुड़ी कलेक्ट करने टू सी द कर्टेन ऑफ रेन वर्षार जो चादर को देखापी कौटा सठिक उत्तर हम, जल्दी कमेंट कर। सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए, वर्षा बिंदु जो शर में पड़ से प्रकार जो खुशी जो गोटे फिलिंग लगे से फिलिंग टू फिल करने से मिल्क को अधा खाई जाए। क्वेश्चन नंबर दस, लेंचो सेड दैट लेंचो कहला द रेन ड्रॉप्स आर वर्षा जल बिंदुगुड़ अटे कौन पियल्स ना जेम्स ना कटेन ना न्यू कॉइन। तो वर्षा जल बिंदुगुड़ कौन अटे से कही
सठिक उत्तर हूँ न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 11 विथ द स्ट्रॉन्ग विंड एंड द रेन फेल माने पूरा जोर पवन सहित वर्षा गुड़िक पड़ी फ्रूट्स पियल्स भेरी लार्ज हेलस्टोन्स रेन ड्रॉप्स कौटा हे वर्षा जलबिंदु सहित आउ कौन पड़ी ना फल पड़ी ना मणिमुक्ता पड़ी ना बड़ा हेलस्टोन पड़ी ना रेन ड्रॉप पड़ी कौन पड़ी सठिक उत्तर हूँ बड़ा हेलस्टोन पड़ी तो ऑप्शन सी हूँ ठीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 देख व्हाट रिजेम्बल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स क्या कहते न्यू सिल्वर कॉइन को कहुई रेन ड्रॉप को ना हेलस्टोन्स को ना फ्रोजन फ्यूल्स को ना राइप कॉर्न्स को क्या कहते न्यू सिल्वर कॉइन बोली कहुई सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी फ्रोजन फ्यूल्स को। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाई डिड लेंचो चिल्ड्रेन रन आउट कौन पाई लेंचोर पिलाने रन आउट नहीं पड़े ऑप्शन ए टू प्ले इन द रेन वर्षा खेलवाप टू कलेक्ट द फ्रोजन फ्यूल्स फ्रोजन फ्यूल को कलेक्ट करने टू एक्सपोज देमसेल्फ ऑन द रेन वर्षा भिजवाप टू रिप राइप कॉर्न्स ओके से कॉर्न्स गुड़ी रिप करने तो कौन हाँ सठिक उत्तर हूँ टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स ओके से जो मणिमुक्ता भले देखा कुआ पत्र गुड़ कलेक्ट करने। क्वेश्चन नंबर 14 लेंचोस राइप कॉर्न फील्ड वाज कवर्ड इन लेंचोर जो राइप कॉर्नटा पूरा फिलअप हो गला क्या द्वारा व्हाइट सॉल्ट ना कॉटन ऑफ रेन ना हेलस्टोन्स ना हेलस्टॉर्म क्या द्वारा कवर हो गला सठिक उत्तर हूँ ए कटेन ऑफ रेन। क्वेश्चन नंबर 15 द हेलस्टॉर्म लास्ट द सराउंडिंग्स फॉर हाफ एन आवर फॉर एन आवर फॉर टू आवर फॉर 15 मिनट्स हेलस्टॉर्म जो वर्षा गुड़िक रहा अध घंटे ना घंटे ना दि घंटा ना 15 मिनट कौटा सठिक उत्तर ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन बी अर्थात एक घंटा। क्वेश्चन नंबर 16 लेंचोस कॉर्नफील्ड लुक्ड व्हाइट इज आज इट कवर्ड हुई लेंचोर कॉर्नफील्ड देखा जाता धला आज सत्य जमी ये कवर होता हेलस्टोन द्वारा ना सल्ट द्वारा ना फ्लोर द्वारा ना सुगर द्वारा सत्य जमी कवर होता सल्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 सिंग हिज कॉर्नफील्ड निज कॉर्नफील्ड को देखिकी लेंचोर सोल लेंचोर आत्मा वाज फिल्ड विथ पूर्ण होगा प्लेजर खुशी पूर्ण होगा ना सेडनेस पूर्ण होगा ना प्राइड ना एटोनमेंट क्या द्वारा से पूर्ण होगा सठिक उत्तर हूँ सेडनेस दुख द्वारा पूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ड्यू टू डेस नॉट ए लीफ एपियर्ड ऑन द ट्रीज ड्यू टू डेस नॉट ए लीफ एपियर्ड ऑन द ट्रीज हेलस्टॉर्म ना रेन ड्रॉप्स ना फ्रोजन पियल्स ना स्ट्रॉन्ग वेट क्या जो गचर गोटे पत्र मत रही ना हेलस्टॉर्म जो ना रेन ड्रॉप जो ना फ्रोजन पियल्स जो ना स्ट्रॉन्ग वेट जो क्या जो। क्वेश्चन नंबर 18 ठीक उत्तर हूँ हेलस्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्पाइट द डैमेज टू क्रॉप्स जदिव क्रॉप गुड़िक बहुत डैमेज होता लेंचो हेड ए सिंगल होप लेंचोर तथा गोटे आशा था यहाँ कौन थी ए लेटर टू गॉड ना हेल्प फॉर गॉड ना यूनिटी विथ हिज चिल्ड्रेन ना फेथ ऑन गॉड कौटा हाँ हेल्प फॉर गॉड ओके। क्वेश्चन नंबर 20 लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन लेंचो जड़े मनुष्य रूप गोटे बलद था यार अर्थ कौन लेंचो वाज एन ऑक्स लेंचो गोटे कौन बलद था ना लेंचो लुक लाइक एन ऑक्स लेंचो बलद भाई देखा ना लेंचो वाज आज ए हार्ड वर्किंग आज ऑक्स ऑक्स जपरी परिश्रम करे लेंचो मैं सी परिश्रम करूला ना लेंचो हेड एन ऑक्स ना लेंचर गोटे ऑक्स था कौटा सठिक उत्तर हम सठिक उत्तर हूँ लेंचो वाज आज हार्ड वर्किंग आज एन ऑक्स बलद जो प्रकार काम करे ये मत से प्रकार काम करूला बुझिपाल पे मैंने 21 नंबर प्रश्न कहुई इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड यह चिठी व्यतीत अगर किसी बड़ कथ नुह दिस मीन यार अर्थ कौन इट वाज नॉट ए लेटर टू गॉड या भगवान निकट को चिठी नुह इट वाज ए लेटर टू गॉड ओनली केवल भगवान चिठी इट वाज लेस देन गॉड यह भगवान छोट अटे इट वाज लाइक ए लेटर टू गॉड यह सत्य भगवान को चिठी देला भाया अटे तो यह भितर कौड़ा हम कमेंट बक्स लेख सठिक उत्तर होगी ऑप्शन बी इट वाज ए लेटर टू गॉड ओनली। 22 नंबर प्रश्न लेंचो बिगन टू राइट ए लेटर द फॉलोइंग संडे लेंचो आरंभ कला चिठी लिखा द फॉलोइंग संडे अर्थात आगामी दिन में आसुवा संडे संडे एक चिठी लिखा आरंभ कला इन द मॉर्निंग ना एट नून ना एट नाइट ना एट डे ब्रेक कौटा हम जल्दी लेख ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन डी एट डे ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 23 देख फ्रॉम गॉड लेंचो नीडेड भगवान लेंचो आवश्यक करूला कौन 70 पेसोस ना 30 पेसोस ना 100 पेसोस ना 50 पेसोस के आवश्यक करूला सठिक उत्तर हूँ 100 पेसोस। क्वेश्चन नंबर 24 लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड लेंचो भगवान को रिक्वेस्ट कला टू सेंड हिम जे दिंतु ए 100 पेसोस दिंतु सो दैट जहाद्वारा हि वुड शो हिज फिल्ड अगेन जहाद्वारा से तार फिल्ड को पुणि थोड़े बुणी पार ऑप्शन बी हि वुड लिव
अंटिल द क्रप केम जो पर्यंत क्रप आसी नाही से पर्यंत से बंची पारिबो ही वुड शो हिज फील्ड अगेन से पुनः थे फील्ड को अगेन शो कर पारिबो आउ बंची पारिबो जो पर्यंत क्रप न होई छी ही वुड रेज कॉर्न अगेन ना से कॉर्न को अगेन रेज करबा से चाहि छी तबे तो कोड हबो सठिक उत्तर होउछ ऑप्शन सी क्वेश्चन 25 देखो लेंचो रोट लेंचो लिखिला टू गॉड दिस ऑन द लेटर लेटर ऊपर लिखिला ना इन द लेटर 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 भीतर लिखिला ना ऑन द ओवरलीफ ऑफ द लेटर लेटर ओवरलीफ ऊपर ना ऑन द एनवलप एनवलप ऊपर तो कोड हबो सठिक उत्तर होउछ ऑन द एनवलप एनवलप ऊपर लिखि छी टू गॉड क्वेश्चन 26 व्हाट डिड लेंचो डू एट द पोस्ट ऑफिस एट फर्स्ट व्हाट डिड कोन कल्ला लेंचो एट दि पोस्ट ऑफिस रे लेंचो कौन कला एट फास्ट प्रथम तो प्रथम लेंचो पोस्ट ऑफिस रे कौन कला ऑप्शन ए ही पुट द लेटर इनसाइड द एनवलप से प्रथम कौन कला ना लेटर टाक एनवलप भीतर रखिला ना ऑप्शन बी ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर ना लेटर ऊपर स्टाम्प पकेला ऑप्शन सी ही पुट द लेटर इनसाइड द एनवलप एनवलप भीतर लेटर टाक पकेला एंड प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर लेटर ऊपर गोटे स्टाम्प देला ना ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर लेटर ऊपर गोटे स्टाम्प पकेला एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स ता मेल बॉक्स रे पकेला कोडा हबो सठिक उत्तर सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी तो पिला माने केही मते वीडियो को स्किप करना बहुत 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी अछि समस्त आरंभ लास्ट पर वीडियो को देखो निजर संग साथी भितरे वीडियो को शेयर करो जहा द्वारा ए प्रकार एजुकेशन रो समस्त बेनिफिट उठै परबे क्वेश्चन नंबर 27 हु वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली हसी हसी कि निजर मालिक पाखु गला पोस्टमास्टर गला ना पोस्टमैन गला ना लेंचो गला ना क्रूक गला के गला जल्दी कमेंट करो सठिक उत्तर होची द पोस्टमैन 28 नंबर प्रश्न द पोस्टमास्टर वाज फेड पोस्टमास्टर जनक मोटा थिला एवं डेस थिला आ कोन थिला ऑप्शन ए काइंड ऑप्शन बी सिंपैथेटिक ऑप्शन सी फ्रेंडली एंड प्लीजेंट प्लीजेंट एंड एंग्री तो ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कोड हबो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी फ्रेंडली एंड प्लीजेंट 29 नंबर प्रश्न व्हाट सरप्राइज्ड द पोस्टमास्टर वाज पोस्टमास्टर को जिनसा सरप्राइज कला ऑप्शन ए लेंचोस अनयूजुअल बिहेवियर लेंचोर जो अनयूजुअल बिहेवियर थिला सेटा सरप्राइज सरप्राइज कला ना लेंचोस अनसेकेबल फेथ ऑन गॉड लेंचोर भगवान को प्रति जो दृढ़ जो विश्वास थिला सेटा तांको दिकी आश्चर्य कला ना लेंचोस एड्रेस टू गॉड ना लेंचोस भगवान को जो चिट्ठी लिखी सेटा तांको आश्चर्य कला ना लेंचोस हैविंग रिटन ए लेटर ना लेंचोस जो चिट्ठी लिखी मानने अशिक्त होगा सत्वे ये जिनसा पोस्टमास्टर को आश्चर्य कराला तो कौन हम सठिक उत्तर हो लेंचोस एड्रेस टू गॉड 30 नंबर प्रश्न द पोस्टमास्टर बिगन टू अरेंज मनी टू सेंड इट टू लेंचो पोस्टमास्टर आरंभ करछन्ती अरेंज करबा किछ टंका अरेंज करबा आरंभ करछन्ती टू सेंड अथ देबा को टू लेंचो लेंचो को देबा पई किछ पैसा अरेंज करछन्ती पोस्टमास्टर बाबू काठारो तो नहीं इन ऑर्डर नॉट टू सेक हिज फेथ इन गॉड लेंचो तो भगवान को जो विश्वास अछि से विश्वास को न भांगिया पई ना टू मेक हिम हैप्पी ताको खुशी करया पई माने मींस लेंचो को खुशी करया पई एज एन आक्ट ऑफ चैरिटी चैरिटी पई टू हेल्प लेंचो सो हिज फील अगेन से तार माने फील्ड रे आउते पुनर्बार किपरि बुनि परिबो सेति पई कोड हबो सठिक उत्तर होची 30 रो ए ओके इन ऑर्डर टू सेक हिज फेथ इन गॉड तब देखो 31 नंबर प्रश्न बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन हियर द वर्ड रिजोल्यूशन मींस किंतु से बट ही स्टक स्टक अर्थ से पूरा तिष्ठिकी रहिला से निजर रिजोल्यूशन प्रति तिष्ठिकी रहिला एटा रिजोल्यूशन अर्थ कोन लेंचोस इंसिस्टेंस ऑन राइटिंग ए लेटर टू गॉड ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी द पोस्टमास्टर प्रमिस ऑफ सेंडिंग सम मनी टू लेंचो लेंचो को किसी पैसा देवाई पोस्टमास्टर को जो प्रमिस करते यू कही रिजोल्यूशन ना तो पोस्टमास्टर डिसीजन पोस्टमास्टर जो डिसीजन ऑफ डूइंग एन आक्ट ऑफ चैरिटी टू लेंचो यहाँ हम ना तो पोस्टमास्टर आक्ट ऑफ अरेंजिंग मनी टू सेंड इट टू लेंचो लेंचो को पैसा देवाई जो किसी अरेंजमेंट करते पोस्टमास्टर को यहाँ हम एटे ही अर्थ हो पोस्टमास्टर को ही कही है बट ही मीनस पोस्टमास्टर को स्टक रेल रिजोल्यूशन प्रति तो कौन हम सठिक उत्तर ठीक उत्तर हूँ 31 रे लेंचोस इनसिस्टेंस ऑन राइटिंग ए लेटर टू गॉड ओके तो यहाँ हम क्वेश्चन 32 द पोस्टमास्टर्स लेटर टू लेंचो कंटेन्ड ओनली ए सिंगल वर्ड आज ए और आन पोस्टमास्टर बाबू कर जो चिठीटा लेंचो प्रति थिला सेथरे केवल गोटे सिंगल वर्ड थिला कौन सेटा कॉम्प्लीमेंट ना सिग्नेचर ना एड्रेस ना गॉड ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी सठिक उत्तर होची गॉड 33 नंबर प्रश्न द पोस्टमास्टर्स लेटर टू द फार्मर लेंचो कंटेन्ड ओनली ए सिंगल वर्ड आज सिग्नेचर इट वाज पोस्टमास्टर जो चिट्ठी थिला टू द फार्मर से फार्मर जो लेंचो को सेथरे गोटे सिंगल वर्ड थिला सिग्नेचर हिसाब रे सेटा कौन थिला चारिटी ना रिजोल्यूशन ना गॉड ना करेस्पोंडेंस कोड थिला
सठिक उत्तर कौन हम तेतीस नंबर प्रश्न पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर लिखुत ऑप्शन लिखुत ए किंबा बी किंबा सी किंबा डी ओके जहाद्वारा कि बुझा पड़ो जो मैंने यार पीडीएफ पाइबा चाहूँगी से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम रो ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप रो ग्रुप अच्छी आपन सेथरे क्लिक करके ग्रुप जॉइन होंतु सेथरे आपन यार पीडीएफ मिल जिवो जदि किसी प्रॉब्लम हुए तबे व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपन मानको दिया जाइछि नंबर होछि 8328807797 एथरे आपन मते व्हाट्सएप करंतु किमा टेलीग्राम करंतु म आपनको रिस्पोंस निश्चित रूपे देबी तो यार सठिक उत्तर कोन हबो ना सठिक उत्तर हबो गॉड क्वेश्चन नंबर 34 द फॉलोइंग संडे फलिंग संडे रहता होगी आगामी संडे लेंचो के लेंचो आसला टू दि पोस्ट ऑफिस को आसला ए बीट यलियट टू आस्क टी शीघ्र पलि आसला पचारे इफ गॉड हेड सेंट हिम द मनी भवान कौन तक पैसा देखते ऑप्शन ए ऑप्शन बी इफ देर वाज ए लेटर फ्रॉम हिम भवान ठार किसी चिठी आसी ऑप्शन सी इफ ही हेड बीन सेंट द मनी आस्क फॉर से जो टाँग कही देवाई से टाँग आसिक इफ गॉड हेड नॉट बिट्रेड हिज फेथ भवान के मतलब तार विश्वास को भांगि पारे ना तो कौन उत्तर हम सठिक उत्तर ऑप्शन बी इफ देर वाज ए लेटर फ्रॉम हिम भवान ठार किसी चिठी आसिक क्वेश्चन नंबर 35 देख एट दि पोस्ट ऑफिस लेंचो हेज लेंचो वाज हैंडेड ओवर द लेटर बाय पोस्ट ऑफिस रे लेंचो वाज हैंडेड अथ लेंचो को दिगला लेटरटा दिगला क्या द्वारा पोस्टमैन द्वारा ना पोस्ट मास्टर द्वारा ना पोस्टल एम्प्लॉय मान द्वारा ना गॉड को द्वारा क्या द्वारा चिठी को दिगला सठिक उत्तर हो पोस्टमैन 36 नंबर प्रश्न एट दि पोस्ट ऑफिस रे लेंचो बिकम एंग्री लेंचो रागिगला कहीं व्वेन ही फाउंड जितने से पाला जे गड अन् दि लेटर जे चिठी गड अच्छा यहाँ हम ना ऑप्शन बी व्वेन ही काउंटेड द मनी से जितने टाँग काउंट करते राग जाइए ना व्वेन हिज मनी वाज एम्बेजल्ड तार मनी गुड़िक सब एम्बेजल्ड हो रही राग जाइए ना ऑप्शन डी व्वेन द पोस्टल एम्प्लॉज बिहेव रूडली टू हिम ना पोस्टल एम्प्लॉय मैंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मैंने रूडली बहुत खराब सह व्यवहार देखे ये राग जाइए तो यार सठिक उत्तर हम कौन ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी व्वेन ही काउंटेड द मनी जितने से टाँग काउंट करो सी राग जाइए 37 नंबर प्रश्न एट दि पोस्ट ऑफिस रे लेंचो सोड लेंचो देखेला नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज मैं टोटल से आश्चर्य होगा भाया कौन से दृश्य देखे ना कौन पर अनसिंग द लेटर लेटर देखिकी ना अनसिंग द मनी टाँग देखिकी अन काउंटिंग द मनी टाँग पाइकी मैंने काउंट करी ना अन रियलाइजिंग द बिहेवियर ऑफ दि एम्प्लॉय एम्प्लॉय मानकर एम्प्लॉय अर्थ होती पोस्टल ऑफिस जो कर्मचारी काम करते बिहेवियर देखिकी कौटा हम सठिक उत्तर होती अनसिंग द मनी टाँग देखिकी से टोटाली टिके आश्चर्य होना 38 नंबर प्रश्न गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक भगवान केवे मिस्टेक करें ना दिशो यह दर्शाए जे लेंचोर कौन कौन दर्शाए लेंचोर जे अनब्रेकेबुल फेथ इन गॉड भगवान प्रति अनब्रेकेबुल फेथ अच्छी ना प्रेयर टू गॉड भगवान प्रति प्रार्थना अच्छी ना कर्स टू दि पोस्टल एम्प्लॉय एम्प्लॉय मान जो पोस्टल एम्प्लॉय मान प्रति तार कर्स अच्छी ना काउंटिंग द मनी ना टाँग कणिया प्रति कौटा हम सठिक उत्तर होती अनब्रेकेबुल फेथ इन गॉड क्वेश्चन नंबर 39 फॉर पेपर एंड इंक लेंचो वेंट पेपर इंक लेंचो गला टू दि पोस्टमास्टर पोस्टमास्टर पाक गला टू दि विंडो झरा पाक गला ना टू दि पोस्टल टेबुल ना टू दि मेल बॉक्स कोड़ी से जाइए इंक आउ पेपर पाया टू दि विंडो झरका पाक को जाइए क्वेश्चन नंबर 40 लेंचो एफिक्सड द स्टाम्प टू दि एनवलप लेंचो एफिक्स गला स्टाम्प को एनवलप सहित विथ गम गम रे ना विथ द स्पीड ऑफ हिज माउथ निज छेपरे ना विथ फेबिक्विक रे ना विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट हाथर जो मुठारे सठिक उत्तर होती ऑप्शन डी विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट क्वेश्चन नंबर 41 ए लेटर टू गॉड सेंटर्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर टी को प्रकार कैरेक्टर अटे ऑप्शन ए गॉड द पोस्टमास्टर लेंचो ना द पोस्टमैन क्या आधारित अटे सठिक उत्तर होती ए लेटर टू गॉडटा लेंचो को आधारित अटे क्वेश्चन नंबर 42 ए लेटर टू गॉड इज रिटर्न बाय यही जो लेटर टू गॉड जो चैप्टर टी अच्छे किए लिखिं लॉर्ड ईस्टविस पर्सी जवाहरलाल नेहरू जीएल फेंटिस ऑप्शन डी होती सुनील मनोहर गावस्कर किए लिखिं सठिक उत्तर होती ऑप्शन सी जीएल फेंटिस क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंचो एड्रेस लेंचो एड्रेस कला द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जाए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मानक लेंचो को प्रकार एड्रेस कर बंच ऑफ रुगुस ना ग्रुप ऑफ चिट्स ना बंच ऑफ क्रुक्स ना बैंड ऑफ डुपीस को रूपे पोस्टल ऑफिसर एम्प्लॉय मानक से चिंता कर सठिक उत्तर होती बंच ऑफ क्रुक ओके पे मैंने यहीपर भाव में बहुत गुड़े प्रश्न सर जाइए अच्छी आहरी देख तक आहरी अच्छी देख पे क्वेश्चन नंबर 44 लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आज ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो कही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मानक बंच ऑफ क्रुक कही कहीं दे वेयर थ्रोली डिसऑनेस्ट से जो एम्प्लॉय गुड़िक बहुत डिसऑनेस्ट बा साधुतापूर्ण नुहंती से ना दे हेड चिटेड लेंचो से लेंचो को चिट करते ना दे हेड चिटेड लेंचो ऑफ इज 30
पेसोस जेहेतु से तीस पेसोस खर्च कर देते से एम्प्लॉय मैंने ना दे हेड लाफ हार्डली टू सी हिज लेटर टू गॉड जेहेतु से भगवान चिठी मैंने भगवान को लेंसो जेहेतु चिठी कर हसी थे ए तो कौन सठिक उत्तर सठिक उत्तर हूँ दे हेड चिटेड लेंसो ऑफ हिज 30 पेसोस कृष्ण पैंचाश इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड द्वितीय चिठी लेंचो जो भगवान पाखे जो लिखी लेंचो एपिल कर भगवान को नॉट टू सेंड द लेटर नॉट टू सेंड द रेस्ट रेस्ट मीन जो बड़का जो पैसा जो रही जाइए को कौन पठाई कहते हैं थ्रो द ब्रांच ऑफ क्रूक्स ये ब्रांच ऑफ क्रूक्स थ्रो रे ना थ्रो द पोस्टमैन ना पोस्टमैन थ्रो रे ना थ्रो द मेल मेल थ्रो रे ना थ्रो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई मान थ्रो रे पढ़ा हम सठिक उत्तर हो थ्रो द मेल मेल माध्यम क्वेश्चन नंबर 46 हु वेंट टू द मेल बॉक्स टू रीड लेंचो सेकंड लेटर टू गॉड किए गला मेल बॉक्स को लेंचो सेकंड चिठी को पढ़ापाई हिज चिल्ड्रेन तार पिला माने ना द पोस्टमैन ना द पोस्टमास्टर ना गॉड किए जाइछन चिठी को पढ़ापाई ठीक उत्तर होची द पोस्टमास्टर क्वेश्चन 47 फॉर लेंचो द टोटल लॉस वाज लेंचो पई टोटल लॉस केतिला द डेस्टिनेशन ऑफ हिज कॉर्न फील्ड एटा ना ऑप्शन बी द कंप्लीट डैमेज टू लेंचोस कॉर्न एंड फ्लावर्स एटा हबो ना ऑप्शन सी द वाटर लॉगिंग ऑफ द कॉर्न फील्ड ऑप्शन डी द अटैक ऑफ द लॉक्टस ऑन द राइप कॉर्न कोडा हबो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी द कंप्लीट डैमेज टू लेंचोस कॉर्न एंड फ्लावर्स ओके क्वेश्चन 48 देखो आई होप इट पासेस क्विकली मु आशा करे इगुडी को पास हे जीवो एठे इट अर्थ कोन एठे इट का कहै छी द हेलस्टोन्स द प्योल्स द स्ट्रॉन्ग विंड्स द हेलस्टॉर्म काहाकू कहिछि द हेलस्टॉर्म को कहिछि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तबे देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 49 लेंचो आफ्टर सीइंग हिज डैमेज्ड कॉर्न लेंचो निजर डैमेज्ड कॉर्न को देखिकरी एड्रेस करछि तार पुओ को जो पुओ किठि आइतिला ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ हिज हाउस ना इन द मिडिल ऑफ द फील्ड ना ऑन द क्रीस्ट ऑफ द लो हिल ना इन द सॉलिटरी वैली कोडा हबो सठिक उत्तर सठिक उत्तर ऑप्शन बी इन द मिडिल ऑफ द फील्ड क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज व्हाई सेथिपई देश से माने कहिले नो वन डाइज ऑफ हंगर केही मत भूख रे मरिबे नाही ए कथरे की माने की कहिछि लेंचो लेंचोर स्त्री लेंचोर पिला माने ना पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय माने कहिछन्ति की कहिछन्ति लागु हमर कर सठिक उत्तर होछ ऑप्शन ए लेंचो कहिछि ओके पिला माने देख प्रश्न नंबर पे मैंने एक कहे कौन कहूँ ना डी जिमी वाज पॉपुलर एमंग दि अच्छा डी जिमी पॉपुलर अटे क्या मध्य स्टूडेंट्स मान मध्य ना बॉयज मान मध्य ना गर्ल्स मान मध्य ना टीचर मान मध्य तो क्या मध्य डी जिमी पॉपुलर अटे पे ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कौन राइट आंसर आसो चिंता कल डी जिमी पॉपुलर अटे क्या मध्य कौन हम पे रईट आंसर शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पे समस्त कमेंट कर पे डी जिमी पॉपुलर अटे एमंग दि बॉयज अर्थात जी पुओ मैंने भितर फेमस होती डी जिमी ओके क्वेश्चन नंबर 2 देख पे अच्छा कह मिस्टर जिमी वाज डेस मिस्टर जिमी जड़े कौन अटे गोटे डिसिप्लिनेरियन अटंती ना ए मेन ऑफ मेथड अटंती ना ए गुड टीचर अटंती ना ऑल दि अबव अटंती तो कौन हम पे राइट आंसर मिस्टर जिमी जन कौन अटंती डिसिप्लिनेरियन ना मेन ऑफ मेथड ना गुड टीचर ना ऑल दि अबव तो कौन राइट आंसर से पे पे मन रख मॉर्निंग 8 एम रे एवं इवनिंग 8 अधे पीएम रे तुम रेगुलरली ए प्रकार क्लास होउची इवन संडे क्लास हुए बुझिपार्च पे तो समस्त क्लास अटेंड करने चेस्टा करो जब आप अधिक इनफर्मेशन पाइबा चाहूँ तेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे किंवा कमेंट बॉक्स रे तुमानों को शो करथिबो कौन शो करथिबो ना हमरो टेलीग्राम रो ग्रुप ओके टेलीग्राम रो ग्रुप शो करथिबो किंवा जे हमरो व्हाट्सएप ग्रुप अछि तो ताहा मते आपन शो करथिबो से लिंक रे क्लिक करो एवं ग्रुप रे जॉइन हो ओके पिल माने या से हम चैनल रो अबाउट को जदि तुमे जीवो तो सेठे मोर जीमेल अछि ओके इंस्टाग्राम अछि तब फेसबुक अकाउंट अछि तो आपन सही अकाउंट रे क्लिक करंतु एवं आम सहित जोड़ी रुंतु ओके पे तो मिस्टेक जिमी जे कौन अटंती ना से जे डिसिप्लिनेरियन भी अटंती ए मेन ऑफ मेथड भी अटंती आ गोटे गुड टीचर मैं अटंती अर्थात पे राइट आंसर कौन आसो ना ऑल दि एबव अबव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख गांधी ओन गांधी जीतिले प्राइजेस गांधी प्राइजेस जीतिले आफ्टर ही पास्ड आउट ऑफ द डे स्टैंडर्ड गांधीजी प्राइज जीतिले
आफ्टर ही पास्ड आउट मीन से पास होगा क्यों स्टाणार्ड्रे अर्थात महात्मा गांधी क्यों स्टाणार्ड पास आउट होगा से प्राइज जीति फर्स्ट स्टाणार्ड ना सेकेंड स्टाणार्ड ना थर्ड स्टाणार्ड ना फोर्थ स्टाणार्ड तो कौ स्टाणार्ड को पास आउट होगा गांधीजी प्राइज पाइं पे मैंने पढ़ाब पढ़ाओ पे राइट आंसर पे गांधीजी प्राइज पाइं जिते पास आउट हेले सेकेंड स्टाणार्ड में ओके तो द्वितीय स्टाणार्ड जिते पास आउट होती प्राइज मिली ओके पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख गांधी ऑब्टेन्ड गांधी हासिल कले स्कॉलरशिप ऑफ 10 रुपी देख मैंने 18 अबाउट 1889 1890 पाखापाखि ए समय महात्मा गांधी 10 टंका प्राइज पाइं क्यों स्टाणार्ड मैंने क्यों स्टाणार्ड होगा जो सेकेंड स्टाणार्ड ना फोर्थ स्टाणार्ड ना फिफ्थ स्टाणार्ड ना सिक्स स्टाणार्ड तो कौ स्टाणार्ड होगा जो गांधीजी को स्कॉलरशिप मिली 10 टंकार जिते से कौ स्टाणार्ड पास आउट हेले ये पे स्टाणार्ड अर्थ हो क्लास ओके अच्छा कहे महात्मा गांधी के जन्म ग्रहण होते समस्त कमेंट बक्स कमेंट कर देखा हिस्ट्री के पढ़ पे गांधीजी स्कॉलरशिप पाइले 10 टंका कौ स्टाणार्ड पढ़ला अच्छी ना सिक्स्थ स्टाणार्ड अर्थात पे ऑप्शन डी हम राइट आंसर अर्थात महात्मा गांधी जितने सिक्स स्टाणार्ड पढ़ुते से समय से स्कॉलरशिप पाइं 10 टंकार पे मन रख 1890 पाखापाखि जो 10 टंका अच्छे से 10 टंका भैल्यू बर्तमान बहुत अमाउंट गोटे मैंने बहुत बड़ धरण गोटे अमाउंट गोटे ओके मन रखे जो 10 टंका पहले से समय सुना तला मतलब टंकारी नाला बुझीपार ना तो से समय से 10 टंका पाइन बोले बर्तमान जो सुना तला पाखापाखि 50,000 अच्छी पाखे 500,000 कहे चले बुझीपार ना देख गांधी वान्स रिसीव्ड गांधीजी थे रिसीव करते डेस् कौन रिसीव करते व्हेन ही वाज इन द फास्ट जिते से फास्ट और सेकेंड स्टाणार्ड महात्मा गांधी जिते प्रथम कि द्वितीय स्टाणार्ड पढ़ुते महात्मा गांधी कौन रिसीव कले प्राइजेस ना स्कॉलरशिप ना कॉर्पोरल पनिशमेंट ना गुड सर्टिफिकेट तेज पे महात्मा गांधी कौन हासिल करते जिते से स्टाणार्ड वन और स्टाणार्ड टू में पढ़ुते कौन रिसीव कर पे शीघ्र शीघ्र कमेंट कर समस्ते प्रत्युत्तर दिव्य पे कहीं मत रो ना साइलेंट रो ना कौड़ पे महात्मा गांधी जिते बड़े थे प्रथम स्टाणार्ड कि सेकेंड स्टाणार्ड पढ़ुते से समय महात्मा गांधी रिसीव करते कॉर्पोरल पनिशमेंट ओके तो स्टाणार्ड एक कि स्टाणार्ड दुई पढ़ला महात्मा गांधी कौन रिसीव करते कौन से प्राइज कि स्कॉलरशिप कि कौन से गुड सर्टिफिकेट नुह कॉर्पोरल पनिशमेंट को से रिसीव करते ओके पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख वन सैटरडे दिने शनिवार आफ्टरनून पीरियड शनिवार आफ्टरनून पीरियड में गांधी हेड टू अटेंड गांधी को मैंने अटेंड होगा कौन द जिम्नास्टिक क्लास जो जिम्नास्टिक क्लास रोचे से क्लास जेन होगा था एट डेज के समय फोर ओ क्लक एट टू ओ क्लक एट थ्री ओ क्लक एट सिक्स ओ क्लक तो क्यों समय महात्मा गांधी को दिने शनिवार आफ्टरनून पीरियड में जिम्नास्टिक क्लास जेन होगा था क्यों समय पे मैंने कौट पे राइट आंसर शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पे मैंने पे मैंने राइट आंसर आसो ऑप्शन ए फोर ओ क्लक ओके तो महात्मा गांधी को चार्टा समय मैं जो आफ्टरनून चार्टा पीरियड में जो दिन कि शनिवार था से दिन गांधीजी को अटेंड होगा जिम्नास्टिक रे अच्छा कहले बोले गांधीज संस्कृत टीचर वाज डेस् गांधीजी जो संस्कृत टीचर थे जड़े कौन थे डिसिप्लिनेरियन लेनिएंट हार्ड टास्क मास्टर ना कन्सीडरेट कौटा थे पे गांधीजी जो संस्कृत टीचर जड़े कौन थे ऑप्शन ए डिसिप्लिनेरियन थे ना ऑप्शन बी लेनिएंट थे ना ऑप्शन सी हार्ड टास्क मास्टर थे ना ऑप्शन डी कन्सीडरेट थे तो कौटा थे पे गांधीजी संस्कृत टीचर जड़े हार्ड टास्क मास्टर थे ओके ऑप्शन सी हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे समस्त उत्तर दियो गांधीजी पर्सियन टीचर गांधीजी जो पारस्य भाषार जो शिक्षक थे से जड़े कौन थे मेन ऑफ मेथड ना कन्सीडरेट ना हार्ड टास्क मास्टर ना डिसिप्लिनेरियन ओके डिसिप्लिनेरियन ना डिसिप्लिनेरियन थे कौन थे पे गांधीजी जो पर्सियन टीचर पे पर्सियन टीचर अर्थ कौन जान पर्सियन अर्थ
जो मैंने पारस्य आसी था से पारसीयन बोली कहुए पारस्य अर्थ कौन पे मैंने बर्तमान जो ईरान नामक देश अच्छी ईरान इराक क्वेत ओके जो ईरान देश अच्छी से ईरान आगु ना था पारस्य और पारस्य जो मैंने आसिक भारत रही जाइंट तो से पारसीयन कहगला ओके अर्थात जो पारसीयन टीचर थे पेरेन्ट्स केवे ना के पारस्य आसते तो गांधी से पारसीयन टीचर पे कौन थे से पाने गोटे कनसीडरेट थे कौन थे कनसीडरेट मन रख तापर पे देख नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णाशंकर पांड्य वाज गांधीजी कृष्णाशंकर पांड्य थिले गांधीजी डेस् गांधीजी कौन थिले पर्सियन टीचर थिले ना फिजिकल एजुकेशन टीचर थिले ना संस्कृत टीचर थिले ना हेडमास्टर थिले तो कृष्णाशंकर पांड्य कौन थिले गांधीजी कौन थिले पिला माने चिंता करो टिके कृष्णाशंकर पांड्य कौन थिले पे कृष्णाशंकर पांडे थे गांधीजी संस्कृत टीचर थे संस्कृत शिक्षक जी जे कनसीडरेट अटंती और जेकि पारस टीचर अटंती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे द लिटिल नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प्ड गांधी जो महात्मा गांधी जो अल्प ज्ञान था संस्कृत से ज्ञान द्वारा महात्मा गांधी पढ़ी पारे टेक्स्ट बुक को बही पढ़ी पारे सैक्रेड पुस्तक मैंने सैक्रेड बुक्स पढ़ी पारे ना रिलीजियस बुक्स ना संस्कृत बुक ना किसी अदर्स तो महात्मा गांधी जो संस्कृत नॉलेज था जो भी टी अल्प अल्प नॉलेज था से अल्प नॉलेज को गांधीजी यूज करके कौ प्रकार बही पढ़ी पारे सैक्रेड बुक्स ना रिलीजियन बुक्स ना संस्कृत बुक्स ना अदर्स कौटा पे मैंने राइट आंसर पे मैंने राइट आंसर हम ऑप्शन ए सैक्रेड बुक्स ओके पे मैंने सैक्रेड अर्थ हो पवित्र ग्रंथ ओके तो महात्मा गांधी पाखे जो भी किसी अल्प किसी संस्कृत नॉलेज था से नॉलेज को यूज करके महात्मा गांधी सैक्रेड बुक गुड़ी पढ़ुते ओके पे एक नंबर प्रश्न कौन कौन एमके गांधी इज पॉपुलरली कॉल्ड आज एमके गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को आउ कौन डका जाए आयरन मैन ऑफ इंडिया ना ऑप्शन बी फादर ऑफ द नेशन ना ऑप्शन सी चाचाजी ना ऑप्शन डी नेताजी तो एमके गांधी को पे आउ कौन बोली मन डका जाए शीघ्र शीघ्र कमेंट कर ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कौटा हम राइट आंसर पे प्रश्न राइट आंसर हम ऑप्शन बी फादर ऑफ द नेशन जहाँ आम ओडिया कहे जातिर पिता ओके मन रख पे महात्मा गांधी ऊनविंश शताब्दी में पाठ पढ़ापी से जाते इंग्लैंड बोले चिंता कर यूर महात्मा गांधी जो फैमिली जो स्टैंडर्ड अच्छी जो इकोनोमी को आधार कर मीन आर्थिक क्षेत्र को आधार कर निहत रूप महात्मा गांधी पर बहुत भल थे जो समय कि मैंने मैंने वर्तमान समय तो लोकने के अन्य देश को जी कथा चिंता कर पार ना कि से समय जो समय कि टेक्नोलोजी आडभांस नाला लोक जानून कि से समय महात्मा गांधी इंग्लैंड जाते हैं वकिलेट पाठ पढ़ाई ओके तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे मैंने गांधी रिसीव्ड गांधी रिसीव करते इयरली एजुकेशन मीन प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करते कौटे गांधीनगर इंग्लीश स्कूल ना गुजरात इंग्लीश स्कूल राजकोट इंग्लीश स्कूल ना अहमदाबाद इंग्लीश स्कूल तो क्यों ठीक महात्मा गांधी निजर इयरली एजुकेशन को कंप्लीट करते पे कौटे करें यार राइट आंसर आसो ऑप्शन सी राजकोट इंग्लीश स्कूल तो मन रख राजकोट इंग्लीश स्कूल महात्मा गांधी निजर इयरली एजुकेशन कंप्लीट करते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जे गांधी मेट्रिकुलेटेड इन द ईयर मेट्रिकुलेटेड अर्थ हो पे मेट्रिक पास आउट हुआ तो महात्मा गांधी मेट्रिक के पास आउट होती 1885 1886 1887 1888 तो केवे पास आउट होती महात्मा गांधी निजर मेट्रिकुलेसन परीक्षा कौटा पे राइट आंसर पहले समस्ते वीडियो रो मीन क्लास रो स्टार्टिंग रो पूरा एंड पर्यंत देख मझे कहीं मतलब स्किप करना क्या जब तुम स्किप कर तेज तुम मैंने जिनसटा को बराबर ग्रहण करना तुम मन रही ना ओके तो सब वीडियो स्टार्टिंग रो पूरा लास्ट पर्यंत रोत बुझिपार ना पे मैंने क्लास सरपर पे तुम निश्चित रूप से निजर सांगसाथी मानक वीडियो को शेयर निहाती कर ओके पे मन रख जो वीडियो अपलोड हो मैंने जो क्लास होगा था तार प्राय अध घंटे पूर्व कि तार बहुत समय पूर्व कि नोटिफिकेशन आस कौन आस प्रिमेयर प्रिमेयर वीडियो को आप सिलेक्ट करते तो आप गोटे काम करते सिलेक्ट कर दूसरे ओके जहाँद्वारा कौन हम ना आपको ग्रुप्र जो मेसेज कराऊपर डिपेंडेंट रहा पड़ो ना तुम मैंने जिते भी किसी वीडियो क्लास होवार अच्छी तो तार किसी पूर्व तुम्हें नोटिफिकेशन चलो ओके पे मैंने से तुमको कौन करा पड़ो आउ कम करा पड़ो जो सब्सक्राइब कला बेल आइकन को दबा पड़ो अल नोटिफिकेशन क्लिक करा पड़ो ओके तो देख गांधीजी मेट्रिकुलेसन के पास आउट होती राइट आंसर आसे पे मैंने ऑप्शन सी 1887 मसीह नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न कहे गांधीजी से ऑटोबायोग्राफी इज महात्मा गांधी गोटे ऑटोबायोग्राफी अच्छे कौटा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ हिंद स्वराज डिस्कवर ऑफ इंडिया इंडिया ऑफ माई ड्रीम
तो पे मैंने महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी कौटा अटे कौन हम पे राइट आंसर शीघ्र शीघ्र कमेंट कर। गांधीजी से ऑटोबायोग्राफी पे मन रख, गांधीजी से ऑटोबायोग्राफी हूँ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, मतलब सत्यता सहित मोर परीक्षा। नेक्स्ट, गांधी वाज नॉट रिगार्डेड एज अ डेस्, महात्मा गांधी को रिगार्ड करा नथिला एट दी हाई स्कूल, मैंने मीन हाई स्कूल गांधीजी को कौन रिगार्ड करा नथिला, गोटे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोली ना गोटे बोका बोली ना गोटे क्लेवर स्टूडेंट बोली ना गोटे ओबिडियंट स्टूडेंट बोली, तो क्यों स्टूडेंट बोली रिगार्ड करा नथिला महात्मा गांधी को जितने से एट दी हाई मैंने हाई स्कूल पढ़ुते। कौन राइट आंसर आस पे कोई हिसाब से देखु नथिले पे महात्मा गांधी को कहीं मध्य गोटे बोका हिसाब से देखु नथिले। नेक्स्ट, अच्छा कहले पे गांधी अलवेज गांधीजी सब एंजय करते द डेस अफ हिज टीचर, ब्लेसींग अफ हिज टीचर्स ना लव अफ हिज टीचर्स ना एफेक्शन अफ हिज टीचर्स ना फ्रेंडसीप अफ हिज टीचर्स, तो गांधीजी सब एंजय करार कौड़ा टीचर टीचर कौन से हासिल करार कौड़ा एंजय कर पे यह राइट आंसर आसव ऑप्शन सी एफेक्शन, तो मन रख टीचर मानक जो एफेक्शन को एंजय कर गांधीजी। क्वेश्चन नंबर 17 देख पे मैंने व्हाट यूज टू बी सेंट टू दि पेरेन्ट्स एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष पेरेन्ट्स मानक कौन दि जाए गिफ्ट ना प्राइजेस ना सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस, सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर कौटा दि जाए पे मैंने प्रतिवर्ष पेरेन्ट्स मानक कौन दि जाए गिफ्ट दिया होची ना प्राइज दिया होची ना सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस दिया होची ना सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर एटा दिया होची, तो कौटा पे दिया होची पे राइट आंसर आसव ऑप्शन डी सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ता सहित प्रोग्रेस सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष पेरेन्ट्स मानक पे थ्रो दि जाए। क्वेश्चन 18 पे गांधी ओन प्राइजेस, गांधी जीति प्राइज आफ्टर ही पास आउट ऑफ द डे स्टैंडर्ड, मैंने महात्मा गांधी क्यों स्टैंडर्ड पास आउट होगा से बहुत गुड प्राइज जीति थर्ड स्टैंडर्ड ना फिफ्थ स्टैंडर्ड ना सिक्स स्टैंडर्ड ना सेकंड स्टैंडर्ड, तो कौ क्लास को पास आउट होगा महात्मा गांधी बहुत गुड प्राइज पाई पे शीघ्र शीघ्र कमेंट कर समस्ते कहीं मत रु ना देखिकी रु ना समस्ते कमेंट कर चिंता कल टे गांधीजी के स्टैंडर्ड पढ़ला से बहुत गुड प्राइज जीत पे प्रश्न राइट आंसर आसव ऑप्शन डी सेकेंड, तो महात्मा गांधी जो सेकेंड स्टैंडर्ड पढ़ुते पर बहुत गुड प्राइज से पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे इन ह्विच स्टैंडर्ड क्यों स्टैंडर्ड रे गांधीजी ऑप्टेन द स्कॉलरशिप, महात्मा गांधी स्कॉलरशिप पाई क्यों क्लास पढ़ला से स्कॉलरशिप पाई फिफ्थ स्टैंडर्ड ना सिक्स स्टैंडर्ड ना फोर्थ स्टैंडर्ड ना पंचम एवं षष्ठ स्टैंडर्ड, तो केतम स्टैंडर्ड पढ़ला से पे महात्मा गांधी पाई स्कॉलरशिप कौटा पे राइट आंसर आसी ऑप्शन डी फिफ्थ एंड सिक्स्थ पंचम आ षठ पढ़ला से स्कॉलरशिप पाई। ओके पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ गांधी ऑब्टेन्ड ए स्कॉलरशिप, गांधीजी हासिल करते गोटे स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज डेस के टाँग हासिल करते जितने से फिफ्थ स्टैंडर्ड पढ़ुते, अर्थात महात्मा गांधी जितने पंचम स्टैंडर्ड पढ़ुते से कौ प्रकार स्कॉलरशिप कौ प्रकार वृत्ति पाई सरी कौ प्रकार ना के अमाउंटर वृत्ति पाई है कितने अमाउंटर फोर मैंने चार टाँग ना दस टाँग ना कोड़े टाँग ना तीस टाँग, तो कत टार वृत्ति पाई महात्मा गांधी चिंता कल टे पे महात्मा गांधी पाई चार टकर स्कॉलरशिप मीन ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर। ओके पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अच्छा गांधी थैंक महात्मा गांधी धन्यवाद देते डेस एम मेरिट, तो महात्मा गांधी क्या धन्यवाद देते ऑप्शन हिज टीचर्स ऑप्शन बी हिज फादर ऑप्शन सी गॉड एवं ऑप्शन डी हिज गुड लक, तो क्या महात्मा गांधी धन्यवाद देते निजर मेरिट पर कौटा पे राइट आंसर पे प्रश्नर राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम हिज गुड लक निजर गुड लक को से बहुत धन्यवाद देते। आज देखिए 22 क्वेश्चन रु 22 नंबर प्रश्न कहे हाउ डिड गांधी किपरि गांधी रिएक्ट करती जेते बेले ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप, महात्मा गांधी जेते बेले प्राइज और स्कॉलरशिप पाईगले रिएक्शन को प्रकार थिला ऑप्शन ए ओवरजॉयड ऑप्शन बी प्राउड ऑप्शन सी हम्बल ऑप्शन डी
एस्टोनाइज्ड। तो पिलाने कोड़ा राइट आंसर आसीबो चिंता कलो टिके ऑप्शन ए बी सी डी भितरु कोड़ा सठिक आंसर हबो से अधिक ओवरजॉय हे गेले ना हम्बल हेले ना प्राउड फील करले ना एस्टोनाइज्ड हेले कोड़ा हबो पिलाने राइट आंसर पिलाने एही प्रश्नर सठिक आंसर होउची ऑप्शन डी एस्टोनाइज्ड अर्थात महात्मा गांधी अधिक एस्टोनाइज्ड होई जाइछंती। ओके पिलाने 23 नंबर प्रश्न देखो गांधी डिड नॉट हैव हाई रिगार्ड फॉर हिज महात्मा गांधी कर नथिला अधिक रिगार्ड का प्रति टीचर्स को प्रति फादर को प्रति फ्रेंड्स को प्रति ना एबिलिटी प्रति तो कहा प्रति पिला माने महात्मा गांधी कर अधिक रिगार्ड नथिला हाई रिगार्ड नथिला कोड़ा हबो पिला माने शीघ्र शीघ्र कमेंट करो पिला माने समस्ते आंसर दियो बुझिले कि तुम आंसर देवा द्वारा कौन हम ना तुम वर्तमान ठीक प्राक्ट रहा तुमको परीक्षा में कौन से प्रोब्लेम हम ना। ओके तो पे प्रश्नर सठिक आंसर होची एबिलिटी तो महात्मा गांधी हाई रिगार्ड नाला एबिलिटी प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे गांधी भेरी जिलियसली गार्डेड हिज डेस् महात्मा गांधी जिलियसली गार्ड करते देखुले सुरक्षा दूसरे मनी को ना बुक्स को ना हेल्थ को ना कैरेक्टर को तो कोड़ा हम पे राइट आंसर महात्मा गांधी अधिक जिलियसली गार्ड करते क्या कोड़ा हम पे राइट आंसर पे महात्मा गांधी अधिक जिलियसली गार्ड करते निजर कैरेक्टर को तो ऑप्शन डी हम पे यार राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख द लिस्ट लिटिल डेस वुड ड्र टीयर्स फ्रम गांधी आईस। ओके अल्प लुह आसीगला महात्मा गांधी आखिर एचिवमेंट को आधार करी ना फेलियर को आधार करी ना इनसल्ट को आधार करी ना ब्लेमिश को आधार करी तो क्या आधार करी पिला माने महात्मा गांधी आखिर लुहास जाइछि कोड़ा राइट आंसर पिला माने शीघ्र शीघ्र कमेंट करो पिला माने यही प्रश्नर सठिक आंसर हबो ऑप्शन डी ब्लेमिश। ओके तो ब्लेमिश जो महात्मा गांधी आखिर लुह आस जाइछि। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न देख पिला माने इन व्हिच स्टैंडर्ड केते स्टैंडर्ड रे महात्मा गांधी रिसीव कले कॉर्पोरल पनिशमेंट अर्थात महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कौ स्टैंडर्ड पढ़ुते जो समय कि देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट मिली ऑप्शन ए फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑप्शन बी फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑप्शन सी सिक्स्थ स्टैंडर्ड ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड तो पे कौ स्टैंडर्ड महात्मा गांधी पढ़ला देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट मिली कौटा पाने पे तुम मान गोटे दायित्व अच्छी जे तुमने क्लास सरला निहाती रूपे यही वीडियो को निज सांगसाथी मानक पाखु शेयर करिबो एवं सेमानकु इनफॉर्म करिबो जे आम चैनल ना कौन अटे पे आम चैनल ना होची शार्प लर्नर। ओके अच्छा कही पार शार्प लर्नर अर्थ कौन यही प्रश्नर तो तुम उत्तर दियो ता सहित जो मानक माने जो माने टिके फ्री अछो सेमाने यही प्रश्न भी आंसर देबा पे ट्राई कर जे शार्प लर्नर अर्थ कौन पिले माने शार्प अर्थ होची तीक्ष्म मीन्स पूरा हाइली पावरफुल लर्नर अर्थ किए पे माने लर्नर अर्थ हो तुमे माने बुझी पार्छ ना तो तुमे माने ही हो शार्प लर्नर अर्थात तीक्ष्म शिक्षा तीक्ष्म विद्यार्थी। ओके तो भल भाषा कह ग शार्प लर्नर अर्थ हो तीक्ष्म विद्यार्थी जी कि शीघ्रतार सह शिखी थाए जी शीघ्र शीघ्रतार सह ग्रहण करथाए बुझी पार्छ पे माने जी कौन सी प्रोब्लेम को हारे ना बा प्रोब्लेम को मैं प्रोब्लेम को डरे ना जेको प्रोब्लेम को सी फेस कर तुमन भितर साहस थाए बुझी पार्छ पे शार्प लर्नर बोली कहुए बुझी पार्छ ना पे तो आम समस्त हूँ गोटे गोटे शार्प लर्नर इवेन मुँह भी गोटे शार्प लर्नर अटे माने मुझे किसी शिखुची बुझी पार्छ ना तुम ठार कि शिखुची किसी बहुत शिखुची मुझे गुरुजन मानक बहुत गुट जिन शिखुची जहाद्वारा सफल हो पार्छ तुम मानक पढ़ाई। ओके तो आम आम लाइफ समस्ते शार्प लर्नर होगापी चेस्टा करवा तो पे शार्प लर्नर नामक चैनल को तुम्हें प्रमोट कर निज सांगसाथी को कह जे प्रकार चैनल अच्छे जो थे प्रकार पढ़ा जाऊँगी
ओके इवेन तुम्हारे जो करिकुलम अच्छी तुम्हारे जो सिलेबस अच्छी से चैप्टर पर पढ़ा जाऊँ ता सहित तुम जो वृत्ति परीक्षा अच्छी जमीक एन टी एस आई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो कि क्लास नाइन्थर एनआरटीएस हो कि क्लास एट्र एनएमएमएस हो कि क्लास नाइन्थर जो प्रधान कौन प्रधानमंत्री नाई पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति तो जो भी किसी परीक्षा हो ताप प्रिपेरेसन होके तो समस्त को इनफर्म करी क्लास रे जॉइन कराओ तो पे प्रश्न राइट आंसर आसो कौन फास्ट एंड सेकेंड तो महात्मा गांधी जिते प्रथम आ द्वितीय स्टाणार्ड पढ़ुते तो महात्मा गांधी कर्पोराल पनीशमेंट पाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे सतैश नंबर प्रश्न कहूँ हु आज गांधीज हेडमास्टर महात्मा गांधी हेडमास्टर बा प्रधान शिक्षक किए थे ऑप्शन ए कृष्ण शंकर पांड्य ऑप्शन बी दोराबजी ईदुलजी गिमी ऑप्शन सी श्रीमद राजेन्द्र ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी हेडमास्टर किए थे पे तुम ऑलरेडी हिस्ट्री चैप्टर पढ़ु हिस्ट्री जो प्रथम अध्याय प्रथम पाठ जे महात्मा गांधी गुरु थे किए गोपाल कृष्ण गोखले किंतु एठारे से गुरु पचार नहीं पचार हेडमास्टर किए थे समस्त कमेंट करो यार राइट आंसर कौन आसीबो किए थे महात्मा गांधी हेडमास्टर पे महात्मा गांधी हेडमास्टर थे दोराबजी ईदुलजी जिमी ओके दोराबजी ईदुलजी जिमी नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे मिस्टर जिमी मेड मिस्टर जिमी जी की प्रधान शिक्षक थे मेड डेस एंड डेस कंपलसरी कौ कौ जिनस को बाध्य कराई फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड उच्च श्रेणी में पढ़ुआ पाला स्पेशली पुओ मान कौ जिनसा कंपलसरी कराई गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना ऑप्शन बी संस्कृत एंड पर्सियन ना ऑप्शन सी जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट ऑप्शन डी योगा एंड मेडिटेशन तो कौ जिनसा मिस्टर जिमी जी की हेडमास्टर थे से बाध्य कराई स्पेशली पुओ मान ऊपर श्रेणी पुओ मान कौटा हाँ पे राइट आंसर कौ कौ जिनस को बाध्य कराई मिस्टर जिमी कौन हम पे प्रश्नर राइट आंसर हम ऑप्शन सी जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट ओके तो जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट को बाध्य कराई महात्मा गांधी प्रधान शिक्षक जहाँ नाम हूँ मिस्टर जिमी नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे अच्छा व्हाट आर द रीजन फॉर गांधीज एलुफनेस फ्रॉम गेम्स एंड स्पोर्ट्स व्हाट वाज द रीजन अर्थ पे कौन कारण थी गांधीजी जे गांधीजी एलुफनेस होते गेम ठारू आ स्पोर्ट्स ठारू ओके तो ऑप्शन ए ह्यूमिलिटी ना ऑप्शन बी वीकनेस ना ऑप्शन सी साइनेस ना ऑप्शन डी लैक ऑफ इंटरेस्ट तो कौन हम पे राइट आंसर भाव टे ऑप्शन ए ह्यूमिलिटी हम ना ऑप्शन बी वीकनेस हम ना ऑप्शन सी साइनेस हम ना ऑप्शन डी लैक ऑफ इंटरेस्ट हम कौट हम पे जेहेतु महात्मा गांधी बहुत लाजकुलिया थे साइनेस अर्थ हो पे लाजकुलिया तो जेहतु महात्मा गांधी अधिक लाजकुलिया होते से गेम्स एंड स्पोर्ट्स को पसंद करनुले पे तुम श्रेणी में एमती बहुत गुटे पिला थे जो मर मन भितर मानने खेल बहुत उत्सुकता थी किंतु से लाज करते का गेम कौन से खेल जब किसी भूल बटका हो तो मत समस्ते गोटे अलग दृष्टिभंगी देखिए कहे जो खेल आसुनी तो ये प्रकार मानसिकता थी जो कि पिला खेलती ना ओके तो पे तुम ए डर सब मानने ये प्रकार जो डर थी तुम मन में कि तुम सांग मन में तो ये डर को बाहर कर दियो जदि तुम मन थी तो निहत रूप बाहर कर तुम सांग मन अच्छे तो बुझाओ जो ये प्रकार सेमती किसी ना समस्ते जिते किसी खेल खेलती हार हुए जीत हुए सीटा तो नर्माल कथा जदि किए क्रिटिसाइज करुच्छे तो ठीक अच्छे करू जेकोस लोक जब क्रिटिसाइज करुच्ची बुझीपाने तो करू ताक तार कम होगा क्रिटिसाइज करवा तो कर छाड़ दि आम ग्रहण करवा उचित नुहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे गांधी हेड द फाल्स नोशन महात्मा गांधी फाल्स नोशन थी जे हेड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन ओके कौ जिनसा सहित एजुकेशन रो कौन सामिल ना बोली महात्मा गांधी चिंता करुले क्रिकेट रो एजुकेशन सहित ना हैंड राइटिंग रो एजुकेशन सहित ना स्पोर्ट्स रो एजुकेशन सहित ना जिम्नास्टिक रो एजुकेशन सहित ओके पे तो क्या सहित एजुकेशन रो कौन संपर्क ना बोली महात्मा गांधी गोटे फाल्स नोशन थी
भूल चिंताधारा थी नोशन रोज पे चिंताधारा फाल्स तो भूल एक भूल चिंताधारा बा एक प्रकार भ्रम धारणा थी तो कौड़ा पे राइट आंसर पे यार राइट आंसर आसव ऑप्शन डी जिम्नास्टिक तो जिम्नास्टिक गेम सहित एजुकेशन कौन संपर्क ना बोली महात्मा गांधी एक भ्रम धारणा थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहले पे व्हाट वाज गांधीज लाटर व्यूज ऑन जिम्नास्टिक महात्मा गांधी परवर्ती क्रम में ये जिम्नास्टिक प्रति को प्रकार धारणा आसला को प्रकार व्यू तक मन में सृष्टि ऑप्शन ए जिम्नास्टिक्स शुड बी इनक्लूडेड इन करिकुलम जिम्नास्टिक को करिकुलम बामर जो पाठ्यक्रम अच्छे से पाठ्यक्रम इनक्लूड करवा उचित ना ऑप्शन बी जिम्नास्टिक इज वेरी इंपोर्टेंट जिम्नास्टिक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे फॉर स्टूडेंट्स ए प्रकार धारणा सृष्टि ना फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक किसी प्रशिक्षण सुड हेव आज मच प्लेस इन द करिकुलम आज मेंटल ट्रेनिंग पे आम जो पाठ पढ़ुचे जो भी किसी बहीपत पढ़ुचे ताद्वारा आम मेंटल ट्रेनिंग होती मानसिक क्षेत्र में आम प्रशिक्षण पाऊचे आ मानसिक रूपे प्रशिक्षण पाइबा जमी आम करिकुलम सामिल अच्छी पाठ्यक्रम सामिल अच्छी ठीक से प्रकार फिजिकल ट्रेनिंग सामिल होगा उचित ना ऑप्शन डी जिम्नास्टिक्स शुड बी मेड कंपलसरी जी जिम्नास्टिक को कंपलसरी करवा दरकार पुओ मानक जो मैंने अपर स्टाणार्ड पढ़ती तो कौड़ा हाँ पे राइट आंसर पे ये जो जिम्नास्टिक्स शुड बी मेड अफ कंपलसरी फर बॉयज अफ अपर स्टाणार्ड यहाँ तो महात्मा गांधी जी हेडमास्टर थे मिस्टर जिमी मत यहाँ अटे तेणु तो ये स्टेटमेंट तो हेनी आगा तपर आसला देख ये तीन टा भितर कौड़ा हम राइट आंसर पे राइट आंसर हम ऑप्शन सी महात्मा गांधी चिंता करुले जिम्नास्टिक प्रति पर धारणा है जे करिकुलम जो प्रकार मेंटल ट्रेनिंग किसी सब्जेक्ट रही था तो फिजिकल ट्रेनिंग रहा दरकार आम करिकुलम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हाट वाज द स्पेशल रीजन फॉर गांधीज डिसलाइक फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स व्हाट वाज द स्पेशल रीजन को प्रकार निर्दिष्ट कारण थी जो कि महात्मा गांधी कौन सी गेम किंबा कौन सी स्पोर्ट्स को खेल नथिले पिले माने आमे ऑलरेडी ए प्रकार बहुत गुडे प्रश्न आम आलोचना करचे तो आशा अच्छे तुम यार मत आंसर दे पार तो देख हिज सर्विस टू हिज फादर ना हिज साइनेस ना लैक ऑफ इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना हिज एक्सेस इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट तो व्हाट आर द स्पेशल रीजन महात्मा गांधी देख रीजन थी गोटे आ पूर्व आम पढ़ते साइनेस लाजगुला थे कि पचार स्पेशल रीजन कौन अटे महात्मा गांधी स्पेशल रीजन कौन अटे जो कि से गेम आउ स्पोर्ट्स को डिसलाइक करते तो कौड़ा हाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हिज सर्विस टू हिज फादर से बापा को मानने सर्विस दे लाज करते इंटरेस्ट खेल प्रति इंटरेस्ट ना ना अन्य सब्जेक्ट प्रति अधिक इंटरेस्ट थी पे यार राइट आंसर आसव ऑप्शन ए हिज सर्विस टू हिज फादर जेहेतु से बापा को कम करते ओके पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख कंपलसरी एक्सरसाइज गेम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस व्हाट आर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन एठार पे जो लाइन लिखाला जे कंपलसरी एक्सरसाइज कैन डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस एठे जो दिस सर्विस कहुच्छे पे यहाँ कौन अटे सर्विस टुवर्ड्स हिज कंट्री सर्विस टुवर्ड्स हिज फादर सर्विस टुवर्ड्स हिज टीचर ना सर्विस टुवर्ड्स हिज फैमिली तो कौड़ा हाँ पे राइट आंसर कंपलसरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस पे यार राइट आंसर आसव ऑप्शन बी सर्विस टुवर्ड्स हिज फादर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन है अन हुईच डे क्यों दिन गांधी लेट फॉर जिम्नास्टिक क्लास क्यों दिन महात्मा गांधी जिम्नास्टिक क्लास जावाक लेट हो गले मंडे ना ट्यूजडे ना संडे ना सटरडे अलरेडी पे क्वेश्चन को आम आलोचना कर सारे जो मैंने आम चैनल सहित प्रतिदिन जोड़ी होते निहत आंसर जानते तो कौन हम पे राइट आंसर पे राइट आंसर आसव ऑप्शन डी सटरडे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख आई हैड नो वाच मो पाखे कौन वाच ना एंड द डेज डिसीव्ड मी टाइम ना स्काय ना लाइट ना क्लाउड्स कौटा हम पे यार राइट आंसर आसव ऑप्शन डी क्लाउड्स डिसीव्ड मी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख हु मार्क्ड गांधी आबसेंट व्हाइल एग्जामिनिंग द रोल
ओके किए गांधीजी को आबसेंट बोली मार्क कला हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर ना हिज हेडमास्टर ना हिज संस्कृत टीचर ना हिज पर्सियन टीचर किए बोले मैंने गांधीजी को आबसेंट बोली मार्किंग कर किए पे यार राइट आंसर आसव हिज हेडमास्टर तर प्रधान शिक्षक ओके पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहल पे हाउ मच मनी व्वाज गांधी फाइंड फर नट अटेंडिंग जिमनास्टिक क्लास महात्मा गांधी को केते टंका फाइन पकाहला जेहेतु से जिमनास्टिक क्लास को अटेंड कर पारे वन अनास टू अनास वन आर टू अनास फोर अनास जाक आम अणा बोली पढ़ी पार मैंने तो कौटा हम राइट आंसर पे मैंने यार राइट आंसर हम ऑप्शन सी वन आर टू अनास ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहले पे गांधी वाज कन्विक्टेड अफ गांधीजी को अपराध रूपे घोषणा मान घोषणा करागला चिटिंग पाई ना लाइंग पाई ना स्विंडलिंग पाई ना मिसबिहेविंग पाई तो कौन महात्मा गांधी को अपराध रूपे घोषणा करागला पे मैंने राइट आंसर आसो ऑप्शन बी लाइंग पाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख दैट डीपली पेनड मी से जिनटा मत गभरतर भाव में जंत्रणा दे अच्छा व्हाट डज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन इटा जो ये जो लाइन टा जो टणा जाइए यार अर्थ कौन फाल्स एक्यूजेसन आज ए लायर ना कर्पोराल पनीशमेंट ना फाइन अफ वन और टू अनास द काइंडनेस अफ संस्कृत टीचर दैट डीपली पेनड मी यार अर्थ कौन पे यार उपयुक्त अर्थ आस क्या आसो ऑप्शन ए फाल्स एक्यूजेसन आज ए लायर माने मिछरे तांको उपरे माने मिछुआ रूपक कौन कराई ना अपराध को घोषणा कर जोड़ा कि बहुत जंत्रणा देती नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे मैंने गांधी क्राइड इन डीप महात्मा गांधी कांदी डीपली डीप इनसल्ट ना डीप पेन ना एंग्विश ना एम्बारसमेंट कौटा हाँ पे मैंने राइट आंसर गांधी क्राइड इन डीप देन कौन हम हम एंग्विश कौन हम पे मैंने एंग्विश ओके पे आज क्लास ये था।